मुख्यमंत्री और दो उप मुख्यमंत्री डबल इंजन वाला सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा था, इसको अभी ट्रिपल इंजन मिल गया है, ये अभी पूरे ट्रेन की गति से भागेगा। सीएम साहब, सीएम साहब विरोध करना मोटा धक्का है क्या? विरोध करना धक्का, विरोध करना धक्का है कि शौक है? सर्वांगीण विकास के लिए अजीत पवार और उनके सभी सहयोगी, उनका स्वागत करता हूँ। निश्चित रूप से उनके अनुभव का भी सरकार को फायदा होगा, जनता को फायदा होगा। शरद पवार, सर शरद पवार काम करत नाही। राज्याचा विकास ज्या वेगाने सुरू आहे, अरे विकासाला साथ दिलेली आहे अजित दादांनी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को आप सुन रहे थे, अजीत पवार का स्वागत किया है और अब ट्रिपल इंजन की सरकार महाराष्ट्र में होगी, ये लगातार जानकारी हम आपको दे रहे हैं और एकनाथ शिंदे को आप सुन रहे थे। देखिए हमारे साथ लगातार पंकज भी जुड़े हुए, राजीव मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए, राजीव के पास आएंगे। राजीव, क्या जानकारी मिल पा रही है? एकनाथ शिंदे ने भी मीडिया से बात की, इससे पहले फडणवीस ने भी बात की, क्या कहा उन्होंने ट्रिपल इंजन की सरकार अब महाराष्ट्र में? उदय जी हिंदी में जानना चाहेंगे, आज कितने विधायकों ने एनसीपी के सरकार को समर्थन दिया है? विधायक मेरे ख्याल से 40 तक विधायकों ने समर्थन दिया है और हमारे लिए अच्छी बात है कि जो एक बरस एक समूह एक संच हमारे बारे में जो गद्दारी कहता था, खोके कहता था, उसको फुल स्टॉप हो गया है। प्रशासन जल्दी से गति से नहीं चल रहा था, इसलिए जो हमने निर्णय लिया था उसके ऊपर आज शिक्का मोर्चा हो गया है। अजीत दादा जैसा एक बड़ा लीडर महायुति में आ गया, अभी हमारा दादा डीसीएम बन गए तो अच्छी बात है ना। अच्छा ये बताइए, सांसद भी आ सकते हैं एनसीपी के, और ये एनसीपी से बगावत कहेंगे या बीजेपी में जाएंगे? लीडर प्रफुल्ल भाई शपथ विधि को उपस्थित थे, अमोल कोले उपस्थित थे, ठीक है अभी आगे और आ जाएंगे। लेकिन ये सवाल है एनसीपी में इसे बगावत के तौर पर देखें, क्योंकि रवि राणा जो बीजेपी के करीबी, वो कह रहे हैं कि बीजेपी में शामिल हो गए। ठीक है ना, वो देखेंगे ना, अभी तो शपथ विधि हो गया, बाद में कैसे हुआ सब पता ही नहीं चला किसी को। शरद पवार पुणे में कह रहे हैं, नहीं ये दोनों का जो काम करने का तरीका है वो दिखा दिया है उन्होंने, कैसा है काम किया उन्होंने।